बेला ने पिछले दो हफ्ते में दो ट्रैक ड्रॉप किया है। एक ट्रैक हमें एक म्यूजिक लेबल के थ्रू देखने को मिला और एक ट्रैक कल ही हमें बेला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देखने को मिला है। सो DHH में जब हम क्वालिटी के साथ क्वांटिटी की बात करते हैं तो एक ही आर्टिस्ट है जो हमारे दिमाग में आता है या फिर इस पैरामीटर पे फिट बैठता है, वो है बेला। और लास्ट ईयर इवन मैंने बेला को क्वेश्चन तक किया था कि इतने ज्यादा ट्रैक्स निकालते हैं बेला साल में या फिर महीने में, इतने ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, कहीं वो मोनोटोनस तो नहीं हो जाएंगे फ्यूचर में या फिर वो कहीं मोनोटोनस तो अब साउंड नहीं करने लग गए हैं। पर अगर हम बेला के रिसेंट रिलीज पे नजर डालें, हर ट्रैक बेला के डिफरेंट साउंड कर रहे हैं और वो हर ट्रैक में एक नया साउंड लेके आ रहे हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई बेला इज सो गुड। बेसिकली हम बेला के रीसेंट दो ट्रैक, एक विजन जो कि एक म्यूजिक लेबल से आया है उसे, और रीसेंट ड्रॉप कार सॉन्ग जो हमें बेला का एक आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला है, इन दोनों ट्रैक को हम रिव्यू करेंगे। इन दोनों ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बेला के गाने को इतनी ज्यादा एडिक्टिव बनाती है, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करने के बाद भी बेला के जो लगभग गाने हमें देखने को मिलते हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट, यूनिक और बढ़िया क्यों साउंड करते हैं। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सोनी तू देख मुंडे में खुंजे नु लाते ने जेड़े वे ज्यादा सी बोल दे, तू वेट कर घंटे च आना मैं कुंडी तू बूहे दी रखी वे खोल के, बोतल में कल्ले ने पीली पर हजे भी यार नहीं गिरदे ना डोल दे, कहंदी तू करदा की है खेल करा फन करा बैठा मैं ऑल डे मुंडे ने बाजी मारी। गाने का नाम है ट्रेल और आर्टिस्ट है यानिक। सो भाई के साइड से हमें एक पंजाबी ड्रिल सॉन्ग देखने को मिला है। सो अगर तुम ड्रिल सॉन्ग सुनते हो, एक्चुअली आज मैं ड्रिल के ऊपर वीडियो बनाने वाला था बट चलो वो बात की बात है, वो वीडियो बाद में देखने को मिलेगा। सो अगर तुम लोग ड्रिल गाने सुनते हो, ड्रिल सॉन्ग तुम्हें पसंद है, डेफिनेटली तुम्हें ये ट्रैक पसंद आएगा। अगर तुम पंजाबी ड्रिल सुनते हो भाई तो सोने पे सुहागा, ठीक है, एक बार चेक करना भाई, बढ़िया काम कर रहे हो। और ये ट्रैक भी मुझे पसंद आया, ओवरऑल बढ़िया है, लिरिक्स अच्छी है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना भाई, कमेंट भी जाकर ड्रॉप कर देना। रैपपॉट के चैनल से आए हो, रैपपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स है तो तुम भाई को बता सकते हो, अगर तुम्हें जेन्युइन फीडबैक देना है तो भाई कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं तो तुम वो भी कमेंट कर सकते हो और भाई को प्रेज भी कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और चेक करो। सो 24th Feb 2023 पिछले महीने हमें बेला का एक ट्रैक लूप बीट्स रिकॉर्ड से देखने को मिला था और सिर्फ 11 दिनों में ही इस ट्रैक ने 1 मिलियन मार्क को टच कर लिया है। बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए शायद ये नंबर उतनी बड़ी ना हो बट बेला के लिए ये नंबर बहुत बड़ी है, क्योंकि बेला को उतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है DHH में अगर हम बेला को कंपेयर करें बाकी आर्टिस्ट जैसे किंग हो गए, एमिवे हो गए या फिर एमसी स्टैन हो गए, इन सब से तो उतना नंबर नहीं आ पाता है बेला को। सो बेला के जो नंबर्स है या फिर बेला के गाने की जैसा परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बेला के दो रीसेंट ट्रैक, और पहला ट्रैक ऑलरेडी मैंने बता दिया जो है विजन। सो द सॉन्ग स्टार्ट्स विद अ हाई बजट म्यूजिक वीडियो, स्टार्टिंग में हमें कुछ क्रेजी VFX भी देखने को मिलते हैं और गाने के स्टार्ट में हमें बेला के साइड से ट्रैक का हुक सुनने को मिलता है। विजन मेरा भारी क्योंकि आगे मेरी नशे में बंदे मेरे हुक के लूप में अभी फंसे हुए पीछे। स्ट्रेट अवे आई लव द हुक, बहुत ही ग्रोवी और बढ़िया हुक क्रिएट करा है इस ट्रैक में बेला ने। और अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें तो बेला ये क्लेम कर रहे हैं ही इज काइंड ऑफ अ यूनिक आर्टिस्ट और उनके जैसा आर्टिस्ट सीन में कोई नहीं है, वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बाकी आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा अलग है। हुक के ठीक बाद हमें गाने का पहला वर्स सुनने को मिलता है। हम जैसे तैसे टिके हुए सीन में नहीं, हम टिके हुए क्योंकि अपनी मर्जी है पहले तुझे फाड़। और इस वर्स में हम बेला की हार्ड कोर डिलीवरी और वो विंटेज बेला जिसे हम सब जानते थे या फिर हम सब ने पहली बार जब बेला को सुनने स्टार्ट किया था तो बेला इसी टाइप की डिलीवरी करते थे, उनका वोकल ऐसा ही था। अब वो जाके कहीं न्यू स्कूल साउंड और ट्रैप म्यूजिक करने लग गए बट पहले बेला के गाने ज्यादातर ऐसे ही हुआ करते थे और वही सेम बेला हमें इस वर्स में सुनने को मिलता है। और वर्स के बीच में कुछ अच्छे बार और रेफरेंस भी हमें सुनने को मिले हैं, जैसे कि एक लाइन आती है जहां पे बेला बोलती है सरहद पार से आवाज आ रही है कि बेला की म्यूजिक ऐसा जैसे कि धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिता दिया था। सरहद पार से आवाजें आ रही, बेला तेरा म्यूजिक जैसे धोनी ने जिता दी थी 11 की पारी,
अब और इसके बाद फिर से हमें हुक पार्ट देखने को मिलता है। और एक चीज जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो म्यूजिक वीडियो है वो ट्रैक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मैंने एक चीज देखा है कि जो बड़े आर्टिस्ट है ना, जैसे अभी विवियन डिवाइन का वीडियो आया था बाजीगर का, वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा था मेरे को। मतलब जो बड़े आर्टिस्ट है वो म्यूजिक वीडियो के साथ उतना जस्टिस नहीं कर पाते, और बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट या फिर जो उतने पॉपुलर नहीं है, जो ज्यादा मेनस्ट्रीम नहीं है, उनकी म्यूजिक वीडियो उनसे बेटर लग जाते हैं कभी कभी पे। सो इस केस में वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद हमें गाने का सेकंड वर्स देखने को मिलता है। एंड अगेन अगर हम सेकंड वर्स की लिरिक्स में ध्यान दें, बेला अगेन यहाँ पे फ्लेक्स करते हुए नजर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगेन तुम्हें कुछ रेफरेंसेस और नेम ड्रॉप, जैसे एक लाइन में बेला ने शेडी और कोल का नेम ड्रॉप कर रखा था, दैट वॉज गुड। तो हो गया का शेडी, मैन आई फील लाइक कोल, दिल्ली बॉम्बे तेरा है जा धंधा खोल ना दे सक। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड द सॉन्ग वॉज ओवर। ओके, सो हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, जल्दी से हम इसके प्रॉपर रिव्यू पर जाते हैं। इसके बाद हम बेला की एक और ट्रैक चेक करने वाले हैं, भूलना मत, ठीक है, जो रिसेंट ड्रॉप हुआ है। और वो ट्रैक भाई जब मैंने सुना था ना, आई वाज लाइक भाई इस ट्रैक को तो रिव्यू करना ही करना है, ठीक है। सो वो ट्रैक भी हम करेंगे रिव्यू। पर अगर हम इस ट्रैक के बारे में बात करें, आई लव द होल ट्रैक। हम बात कर ली बीट प्रोडक्शन की, बीट प्रोड्यूसर्स ने क्रेजी काम करा है, म्यूजिक वीडियो ने भाई जान फूंक दिया है, ठीक है। वीएफएक्स हो गया, सेट डिजाइन हो गया, और जिस हिसाब से बेला के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए या फिर कॉस्ट्यूम दिए गए बेला को, सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी, बहुत ही ज्यादा लिट नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें गाने की, तो मैंने जो पिछला रिव्यू किया था बेला का ट्रैक, तो उसमें मैंने ये कंप्लेन, मेरी ये कंप्लेन थी कि बेला के गाने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। लाइक जो सेकंड वर्स था वो थोड़ा छोटा था, पहला वर्स थोड़ा बड़ा था, हुक पार्ट जो है वो बहुत लेट में आया था। बट दिस सॉन्ग इज इवनली स्ट्रक्चर्ड, लाइक पहला वर्स के बाद हुक आना, हुक के बाद सेकंड वर्स आना, फिर हुक आना, एकदम बैलेंस्ड ट्रैक था, वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रैक था। हुक बहुत ही ज़्यादा सही लगा मेरे को, मतलब ज़्यादा न्यू स्कूल साउंड नहीं है जैसे बेला के ज़्यादातर गाने होते हैं, थोड़ा हार्डकोर ही रखा है बेला ने, पर सुनने में बहुत सही लग रहा है। वर्स बहुत ही अच्छे हैं, लिरिक्स अगेन जैसे बेला के लिरिक्स होते हैं वैसे लिरिक्स हमें देखने को मिले हैं। सो अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रैक की, लव द ट्रैक, टिपिकल बेला ट्रैक है, और ऐसा ट्रैक है जो 1 मिलियन व्यूज जैसे 11 दिन में हुए हैं ना, ये डेफिनेटली 1 मिलियन व्यूज इससे ज़्यादा डिजर्व करती है। सो जब मैंने ये ट्रैक देखा कि भाई इतनी ज़्यादा व्यूज कैसे आ रहे हैं, अब समझ आ रहा है कि भाई ट्रैक बढ़िया है इसलिए व्यूज आ रहे हैं, जब ट्रैक बढ़िया होता है तो व्यूज आते हैं। सो ओवरऑल आई लव द ट्रैक, ट्रैक में कोई नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। सो मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, जबरदस्ती की खामियां नहीं निकालना है, ठीक है। और तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा, और अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से इस रिव्यू में एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब चलते हैं सेकंड ट्रैक पे। ये जो ट्रैक है ये कोलैबोरेशन है बेला का यंग नग के साथ, और इस गाने का नाम है कार सॉन्ग। और ये ट्रैक कल ही ड्रॉप हुआ है, और कल ही आई थिंक हनी सिंह का भी एक कार एंथम या फिर कार से रिलेटेड गाना ड्रॉप हुआ था, और मैंने वो ट्रैक सुना, वो भी बहुत बढ़िया था, उसको मैंने कल रिव्यू कर रखा है। फाइनली वी सॉ विंटेज हनी सिंह, और मैंने जब ये ट्रैक सुना ना, आई वॉज लाइक भाई ये गाना कितना तगड़ा साउंड कर रहा है, कितना डिफरेंट साउंड कर रहा है, इसे तो रिव्यू करना ही पड़ेगा। सो लेट्स डू द रिव्यू, हियर वी गो। सो गाना स्टार्ट होता है यंग नग के वोकल के साथ, और अगर हम इनके वोकल्स पे ध्यान दें तो बहुत ज्यादा न्यू स्कूल और ट्रैप साउंड वाला वोकल्स हमें यंग नग के साइड से सुनने को मिलता है। और इसके बाद ट्रैक पे बेला कूदते हैं, और भाई यहाँ पे जो साउंड सुनने को मिलता है ना, आई लव्ड इट। लाइक जब मैंने पहली बार सुना था, आई वाज लाइक भाई बेला क्या कर रहे हो, लाइक भाई इंस्टेंट हिट किया था। थोड़ा सा इमरान खान, थोड़ा ट्रैविस वाला साउंड ब्लेंड करके कुछ नया प्रेजेंट किया है बेला ने। दिस इज कंप्लीटली अ न्यू साउंड, एंड तुम लोग खुद चेक करो, ये वाला पार्ट चेक करो। अरे तेरी है इन लोगों को ये लाइफ सेल करी नहीं है सोल, बस इनको करा रिवाइव डीप डाउन मेरे ज़हन से मैं पूछता हूं भाई। और इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट देखने को मिलता है, और अगर हम हुक की बात करें, हुक इज आल्सो रियली गुड। माफ करा बेटा बेमानों में, देखे बड़े बड़े अखबारों में मुनाफा है मेरे सितार। और इसके बाद हमें ट्रैक का नेक्स्ट वो सुनने को मिलता है, और शायद अगर तुम ये ट्रैक सुन रहे हो ना, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कहाँ पे बेला है और कहाँ पे यंग नग है। मुझे भी मुश्किल हो रहा था, पर बेला और यंग नग जो है तुम्हें वर्स में अल्टरनेट नजर आ जाएंगे। लाइक बेला है, फिर बीच में यंग नग आते हैं, फिर बेला आते हैं, फिर तुम्हें यंग नग का थोड़ा पार्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा इन्होंने पूरे सॉन्ग को स्ट्रक्चर किया, पूरे गाने को कम्प्लीट किया। टेंशन
दिस वॉर्स हैज गुड लिरिक्स, बीट में हमें ट्रैप वाइब देखने को मिल रही है, और अगर हम लिरिक्स की बात करें फ्लेक्स लिरिक्स है, और ओवरऑल लव्ड द वर्स। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट देखने को मिलता है एंड द सॉन्ग वाज ओवर। ओके, सो ये गाना भी हम लोगों ने वॉक थ्रू कर लिया, थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता, बट हाँ कर लिया। और अगर हम इस ट्रैक के बारे में बात करें, हम बीट के बारे में बात करें, लव द प्रोडक्शन स्टार्टिंग में भाई जिस तरीके से सैंपल और हाइप बीट बना रही थी, और उसके बाद जैसे बीट ड्रॉप होता है, ट्रैप बीट ड्रॉप होता है, लव दैट पार्ट। सो बीट प्रोडक्शन में भी जो बीट प्रोड्यूसर है उन्होंने किल किया है। हम बात करें बेला की, अगेन बेला ने एक नया साउंड दिया है। आई थिंक इस टाइप का साउंड इसके पहले तो नहीं सुनने को मिला था, थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे बेला अपने बाकी गानों में करते हैं, थोड़ा सा ट्रैविस वाला साउंड है, इमरान खान वाला टच ज़्यादा नज़र आ रहा था इसमें, ठीक है, तो वो साउंड हमें देखने को मिला। बाकी अगर यंग नक की बात करें, यंग नक को मैंने इसके पहले नहीं सुना है, बट यंग नक भी बढ़िया साउंड कर रहे थे इस ट्रैक में। सो ओवरऑल दिस सॉन्ग वाज गुड, ये मेरे प्लेलिस्ट में जाने वाला ट्रैक है, मुझे पसंद आया तभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं तो जो ट्रैक मुझे पसंद नहीं आता है उस ट्रैक को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है भाई। फैन से ऑफेंड होने से, मतलब बहुत बार फैन ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो करना पड़ता है, बट चलो ठीक है, जो भी है वो सब बात की है, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू ऑफ बेला कार सॉन्ग। सो बढ़िया ट्रैक है, तुम लोग कार में बजा सकते हो इस गाने को, और अगर तुम लोगों ने अभी तक ये गाना चेक नहीं किया, सजेस्ट करूंगा जाओ और ये गाना चेक करो, क्रेजी ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है बेला ने और यंग नक ने। बाकी तुम लोगों को ट्रैक कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये थे बेला के दो रीसेंट ड्रॉप, और शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा वाई बेला इज सो गुड। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, एंटरटेन हुई, डू लेट मी नो कमेंट, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे एक्टिव हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, रेडिट पे अपने मीम सबमिट कर सकते हो, ठीक है। So thanks again, thanks a lot.